सृष्टि जयंत देशमुख, ये नाम इन दिनों सोशल मीडिया पर एक कीवर्ड बना हुआ है। सृष्टि जयंत देशमुख कौन है? ये आईएएस हैं। 2019 में इन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई किया था। उस समय भोपाल की सृष्टि जयंत देशमुख महिला अभ्यर्थियों में शीर्ष पर रही थी, जबकि सम्मिलित सूची में वो नंबर 5 पर रही थी। संघ लोक सेवा आयोग के रिजल्ट में यूपीएससी में उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया था, जिसके बाद उनकी काफ़ी वाहवाही भी हुई थी। लेकिन अब 2022 में जाकर एक मार्कशीट वायरल हो रही है, जिसके बारे में सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि ये सृष्टि देशमुख की मार्कशीट है यूपीएससी की। ये मार्कशीट वायरल है, हालांकि नवभारत टाइम्स इसकी पुष्टि नहीं करता कि ये मार्कशीट सृष्टि की ही है या किसी और की। लेकिन मार्कशीट वायरल है, लोग उससे प्रेरणा ले रहे हैं, तमाम तरह की बातें हो रही हैं कि अपने पहले अटेम्प्ट में ही सृष्टि ने जिस तरह से यूपीएससी क्वालिफाई कर लिया था, वो अपने आप में एक प्रेरणादायी बात है। इसको लेकर सृष्टि एक बार फिर चर्चा में है, सुर्खियों में है, और एक बार फिर लोग उनके प्रयासों की, उनकी पढ़ाई की सराहना कर रहे हैं। सृष्टि देशमुख मूल रूप से भोपाल मध्य प्रदेश के रहने वाली हैं। यूपीएससी का रिजल्ट आने के बाद, यूपीएससी क्वालिफाई करने के बाद उन्होंने कहा था, ये एक लंबी यात्रा रही है जिसमें आप 1-1.5 साल तक पूरी तरह समर्पित रहते हैं। मेरे पेरेंट्स, परिवार, दोस्त, टीचर्स ने मुझे पूरा सपोर्ट किया, इसलिए मेरी सक्सेस का क्रेडिट भी उन्हीं को जाता है। मैंने पहले ही सोचा था कि मेरा पहला प्रयास मेरा आखिरी प्रयास होगा, इसलिए मेरा निश्चय था कि एक ही प्रयास में मैं इस प्रतियोगिता में सफल हो जाऊं। सृष्टि ने जो सोचा था वो हुआ भी, उन्होंने पहले अटेम्प्ट में ही यूपीएससी क्वालिफाई कर लिया, आईएएस बनी। इसलिए अब जब उनकी मार्कशीट वायरल हो रही है, तो ये लोगों के लिए, किसी भी क्षेत्र के लोगों, चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हों, किसी और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की, या किसी भी क्षेत्र में वो बेहतर करने की कोशिश कर रहे हों, उन सभी के लिए उनका यह प्रयास और उनकी मार्कशीट कथित तौर पर जो उन्हीं की है, वो एक इंस्पिरेशन बन गई है। बता दें कि सृष्टि ने सीबीएसई से 12th एग्जाम में 93.2% अंक हासिल किए थे। इसके अलावा क्लास 10th में उनके 10 CGPA थे। उन्होंने इंटर करने के बाद इंजीनियरिंग की थी और इंजीनियरिंग के बाद सिविल सर्विसेज को चुना। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।